एक बार एक आदमी भेड़िये के काटने की वजह से हैवान बन जाता है। फिर एक जादुई माला पहनते ही वह उस हैवान पर काबू पा लेता है। फिर एक दिन उसकी माला उसके कमरे में पड़ी होती है। अरे वाह, यह तो बहुत कीमती माला लगती है। इसे बेचने पर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। वह चुपके से उस घर में घुस जाता है और माला को उठा लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। फिर रात होने पर जेठालाल अपने कमरे में आता है। उसकी पत्नी वहाँ सो रही होती है। तभी वह अपनी माला को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी माला कहीं दिखाई नहीं देती। हे भगवान, मेरी माला कहाँ गई? अब क्या करूँ? अगर मैंने वो माला नहीं पहनी तो 12 बजते ही मैं भेड़िया में बदल जाऊंगा। मुझे वो माला ढूंढनी ही होगी। अरे कमला, उठो, जल्दी उठो। क्या तुम्हें पता है वह जादुई माला कहाँ है जो महामुनि ने मुझे दी थी? अजी, आप उसे रोज यही पलंग के पास में तो रखते थे, देखिए वही होगी। अरे वहाँ तो मैं पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वहाँ नहीं है। अरे प्रीतम, 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी उस माला को ढूंढो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अजी, मैंने तो आपको कितनी बार कहा था कि उस माला को अपने गले में से मत उतारिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे मर गई रे। अरे देखिए जी, घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं, अब क्या करें? माला को छोड़ो और जल्दी से मुझे बांध दो, अब हमारे पास माला ढूंढने का वक्त नहीं है। फिर उसकी पत्नी जल्दी से उसे रस्सियों से बांध देती है और फिर 12 बजते ही जेठालाल भेड़िया बन जाता है। मूर्ख औरत, तूने मुझे बांध क्यों रखा है? मुझे खोल दे, मुझे शिकार करना है, मुझे अपने खून की प्यास बुझानी है। खोल, खोल दे मुझे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अजी, आप शांत रहिए, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस किसी तरह ये रात निकालनी है, फिर सुबह होते ही हम उस माला को ढूंढ लेंगे। अजी, इतना शोर मत मचाइए, किसी गांव वाले ने आपकी आवाज़ सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा, वह सब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वह भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगता है और उसकी आवाज़ पूरे गाँव में फैल जाती है। कैसी आवाज है? लगता है वो भेड़िया फिर से जाग गया है। मेरा शक सही निकला, ये जेठालाल फिर से हैवान बन गया है। मुझे ये बात अभी सबको जाकर बतानी होगी। भाइयों, अब की बार हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर वह आजाद हो गया और उसने किसी को काट लिया तो वह भी हैवान बन जाएगा। तुम सही कहते हो, चलो अभी के अभी उसके घर चलते हैं और उसे जला कर राख कर देते हैं। ए हैवान, बाहर निकल, आज हम तुझे जान से मार कर ही दम लेंगे। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ, अब क्या करूं? ये इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अजी, आपको अभी के अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कमला उस हैवान की रस्सी खोल कर जल्दी से घर के बाहर भाग जाती है। ए कमला, हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज तुम उसे बचा नहीं पाओगी। अरे वो देखो भाइयों, वो हैवान तो पीछे के दरवाजे से भाग रहा है। लगता है इस औरत ने उसे आजाद कर दिया है। ये तुमने सही नहीं किया कमला, तुमने अपने पति के जान बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी है। फिर वो भेड़िया भागता भागता जंगल में घुस जाता है। सभी गांव वाले भी उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे भाइयों, वो हैवान का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, लगता है उसे हमारे यहाँ आने की भनक लग गई है। फिर सब गांव वाले उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भाई, मैं उस भेड़िए की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ, ये आवाज उस भेड़िए की नहीं है। भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे मर गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया? भगवान, आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू। भाई, ये आवाजें तो किसी चुड़ैल की लगती है। अरे मर गया रे। फिर देखते ही देखते एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सभी गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार खुद अपनी मौत के मुंह में चलकर आ गया। कितने सालों के बाद कोई इंसान इतनी रात गए इस जंगल में आया है, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे भागो रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई?
तुम अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गया रे, मैं तो अच्छा भला अपने घर में बैठा हुआ था, कहाँ इन मूर्खों के साथ फंस गया। अरे भागो, अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ने वाली। फिर वे सब गांव वाले वापस अपने गांव की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते सभी गांव पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। अरे भागते कहाँ हो, जितना मुझे तड़पाओगे उतना ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी, रुक जाओ। अरे राजू भाई, अब क्या करें, ये कमबख्त चुड़ैल तो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, अब क्या करें भाई। फिर इतना शोर शराबा सुनकर कमला भी अपने घर से बाहर आ जाती है। अरे ये कौन है, ये तो कोई चुड़ैल लगती है, ये यहाँ कहाँ से आ गई, हे भगवान अब क्या होगा। फिर वह भी भागती हुई जाती है और उन गांव वालों के पास पहुँच जाती है। अरे राजू भैया, मेरे पति कहाँ है, आप लोगों ने उनके साथ क्या किया, वह ठीक तो है ना, और ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, आखिर ये सब हो क्या रहा है। अरे कमला बहन, ये सब तुम्हारे पति की वजह से ही हो रहा है, हम उस कमबख्त का पीछा करते करते जंगल में घुस गए थे, वह कमबख्त तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और ये चुड़ैल पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गई और हमारा पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। हे भगवान अब क्या होगा, ये चुड़ैल तो किसी को नहीं छोड़ने वाली। तभी वह चुड़ैल एक गांव वाले की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। तू इन सब में सबसे स्वादिष्ट लगता है, सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गया रे, ये नाच मिट्टी चुड़ैल तो मुझे रसगुल्ला समझ रही है। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। अरे गांव वालों, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, हाय रे। तभी कमला लाठी लेकर वहां पहुंच जाती है और उस चुड़ैल को मारने लगती है। ए चुड़ैल छोड़ उसे, अभी के अभी उसे नीचे उतार दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मारेगी, रुक तुझे अभी बताती हूँ। फिर उस आदमी को छोड़ देती है और कमला को हवा में उठा लेती है। अरे भाइयों, हमने इस कमला के साथ कितना गलत किया, उसके बावजूद इसने हरिया की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे गांव वालों मेरी मदद करो, हम सब मिलकर उस चुड़ैल का सामना कर सकते हैं। हमें माफ कर दो कमला बहन, हम इंसान इस चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है, ये इंसान तेरी कोई मदद कर पाएंगे। अजी आप कहाँ हैं, मेरी रक्षा करो। अजी सुनते हो, मुझे आपकी जरूरत है, आप कहाँ हैं। फिर कमला जोर जोर से अपने पति को पुकारने लगती है। भाई लगता है कमला का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, जो उस शैतान से मदद की गुहार लगा रही है। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है, बहुत तेज तेज गुर्राने की आवाज आने लगती है। तभी वह हैवान कमला की पुकार सुनकर वहाँ पहुँच जाता है। अजी आप आ गए, आपने मेरी पुकार सुन ली। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कब की, जब ये हैवान भी यहाँ पहुँच गया है। ए कौन है तू, तू चला जा यहाँ से, ये मेरा इलाका है, अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वह हैवान उस चुड़ैल पर हमला कर देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अरे गांव वालों, ये अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें भी उनकी मदद करनी होगी। फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। अरे मर गए रे, गांव वालों ये तुमने क्या कर दिया, अरे मर गई रे। फिर देखते ही देखते वह चढ़ुआइल जल कर राख हो जाती है। अब सब गाँव वाले उस हैवान को देख कर डर रहे होते हैं। अजी शांत हो जाइए, सब ठीक है, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अरे भाई तुमने वह माला क्यों नहीं पहनी जो महामुनि ने तुम्हें दी थी। अरे ये लोग कहें उस माला की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने सुबह चुराई थी। अरे कमला बहन, कहीं सब गांव वाले इस माला की बात तो नहीं कर रहे, ये मुझे तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हुई मिली थी। भगवान का शुक्र है जो माला मिल गई, लेकिन इस कमबख्त को ये माला पहनाएगा कौन। मैं पहनाऊंगी इन्हें ये माला। कमला बहन, इनके पास जाते ही ये तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कमला जाती है और उस हैवान को वह माला पहना देती है। माला पहनते ही वह ठीक हो जाता है। अजी आप ठीक हो गए।
अब ठीक तो है ना? जेठा भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें मारना चाहा था और तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। फिर जेठालाल सभी गांव वालों को माफ कर देता है।